भाई बताओ, सुन ये मैं कह रहा हूँ, गाड़ी आ गई, तैयार हो गई, बस गाड़ी यहाँ पे लगनी है, तैयारी शुरू हो गई। पापा से क्या बोल गया ये तो बताओ। पापा से? हाँ, जब पापा यहाँ आएंगे तो पता पड़ेगी भाई सबको कि गाड़ी का पूजन होगा या मेरा होगा। भाई साहब आ गई गाड़ी, अंकल जी हो रहे। भाई राधे राधे, सभी को क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई वेलकम टू द अनदर ब्लॉग, और भाई जोमेटो डिलीवरी बॉय चैलेंज आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या वो दोबारा करना चाहिए। कल 3 बजे से मैं करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया संडे, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था, बारिश हो गई थी तो इस वजह से प्लान कैंसिल हो गया। तो भाई इन दिस ब्लॉग, आज के इस ब्लॉग में भाई क्या होने वाला है आप लोगों ने देख लिया होगा इन दिस ब्लॉग। तो मेरे एक दोस्त है, मेरा नाम राशि है, जिसका नाम है पंकज, वो अपने फादर को एक गाड़ी गिफ्ट करने वाला है जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो भाई आज मैं आपको रिवील कर ही देता हूँ कि मैं महिंद्रा में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ, कल्याण महिंद्रा मथुरा। अगर आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेनी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, DM कर देना मुझे एंड आई विल कॉन्टैक्ट विद यू। इस और उसके फादर का रिएक्शन लेते हैं। भाई बहुत अच्छी चीज़ होती है भाई जब कोई बेटा अपने पिताजी को अपनी मेहनत से कोई गिफ्ट करता है, तो भाई ये चीज़ होनी चाहिए। और देखते हैं रिएक्शन उसके फादर का क्या रिएक्शन रहता है कि अच्छी, होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली सपोर्ट। आज इसके लिए भाई सरप्राइज प्लान करना है, फादर के लिए गिफ्ट है, बबल भी अपनी तैयार है। भाई चलते हैं सीधा ऑफिस और करते हैं भाई की प्रिपरेशन पूरी, डन। फादर को गिफ्ट करना है, समझ रहे हो, अभी भाई की एज होगी लगभग लगभग 24 या 25 साल के आसपास होगी भाई की एज, है ना। तो यार इस एज में अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़े होके, सॉरी भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़े हो करके, अरे नहीं यार अपने पैरों पर तो खड़े यार, समझ रहे हो यार, 3 साल से हो जाते हैं ना, 2-2.5 साल से हो जाते हैं, मतलब यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भाई लोग भाई ने मतलब अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पिताजी को गिफ्ट दे रहे हो भाई, ये बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो भाई अपने लिए ही कर पाया हूँ, जो भी कर पाया हूँ, बबल भी जो है मतलब यार मुझसे नहीं हो पाता था ना। तो भाई ये मेरा वर्किंग ऑफिस है, मतलब मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ भाई, है ना। गाड़ी नहीं आ रही, मतलब कहना क्या चाहता है, गाड़ी रास्ते में भाई आ रही है, अरे आएगी नहीं 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 भाई ऐसा नहीं होने वाला, गाड़ी आ गई है। वो बोलते हैं ना सब्र का फल है ना थोड़ा मीठा होता है, सब्र में 2 साल से कर रहा हूँ भाई, 2 साल से कर रहा है ना, तो बस तो फिर पंकज की गाड़ी आ चुकी है और मैंने इसे लगवा दिया अभी वॉशिंग पर, जब तक वो अपने बैंक का कुछ काम है वो करने के लिए गया हुआ है, जब तक वो आएगा जब तक गाड़ी रेडी हो जाएगी। भाई बताओ, ये मैं कह रहा हूँ गाड़ी आ गई, तैयार हो गई, बस गाड़ी यहाँ पे लगनी है, तैयारी शुरू हो गई। पापा से क्या बोल गया ये तो बताओ। पापा से? हाँ, पापा से एक झूठ बोला है बुलाने के लिए, पापा मेरी जिम का रजिस्ट्रेशन मुझे कराना है, आपको ऑफिस है वहाँ, कीड़ा विभाग है गणेश श्राफ है वहाँ आना है। अच्छा, वेरिफिकेशन लेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम पे, अगर नहीं आए तो 50,000 का चालान मेरी जिम का हो जाएगा। अच्छा, तो टेंशन मत ले भाई, तुरंत आऊँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ आके बस फोन करना है भैया को, भैया पापा को लेके आ जाऊँगा, मतलब पिताजी को ये बोल के आई हो कि मेरी जिम का चालान करानी है आपको, वेरिफिकेशन के लिए आना है आपको, क्योंकि जिम पे चालान हो रहे हैं आजकल। ठीक है भाई, देख रहे हो, मतलब घर पे बोल के आए हुए हैं कि वेरिफिकेशन के लिए आपको आना है, तो पिताजी को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है भाई गाड़ी के बारे में, एकदम सरप्राइज है कि महिंद्रा की एजेंसी पर रहेंगे। और उसके बाद जब पापा यहाँ आएंगे तो पता पड़ेगी भाई सबको कि गाड़ी का पूजन होगा या मेरा होगा। भाई वो रिएक्शन है सबसे मेन जो सरप्राइज है ना, बने रहो वीडियो के साथ, स्किप करने में मजा नहीं है, स्किप नहीं करना है, पूरा देखना भाई वीडियो को। और बताना जो मेन मजा है ना वो यही है कि जब पापा आएंगे तो क्या होगा, मेरा पूजन क्या गाड़ी का। हाँ भाई, गाड़ी का पूजन होता है कि पहले का पूजन, रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई स्क्रिप्टेड नहीं है, जेन्युइन है, आप रिएक्शन देखना। फाइल वाइल पे साइन हो गए सब पे, उस पे अंदर करवा लिए ना, चल ठीक है। कहाँ पे पिताजी, कितनी दूर है? चलो ठीक है भाई, गाड़ी हो चुकी है कवर, तो अब रिवील जब ही होगी, जब सरप्राइज हम देंगे। तो भाई
शाम हो चुकी है, क्योंकि बैंक का भाई बहुत तगड़ा सीन था, क्योंकि एक दिन में ही भाई का फाइनेंस कराया मैंने यस बैंक से। यस बैंक का जो ऑफिशियल पीरियड टाइम है वो 3 दिन का है, लेकिन मैंने एक दिन में कराया मेरे भाई, एक दिन में। आज ही फाइल लॉगिन हुई है और आज ही फाइनेंस करा दिया भाई, डीओ आ चुका है कंपनी में। तो वी आर गेट रेडी टू गो, बस इंश्योरेंस कट रहा है, ओटीपी वगैरह देने। पंकज, अरे पंकज, इंश्योरेंस वगैरह का ओटीपी वगैरह बता दिया ना? अभी सब कुछ डन, ओके भाई, लेट्स सी। बस इंतज़ार है भाई फादर रिएक्शन का, एंड लेट्स सेलिब्रेट। जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन जो भी है बेस्ट है भाई अपने लिए, जो भी हम कर रहे हैं, मतलब ठीक है यार जो भी है। अब देखते हैं, मेन पॉइंट है रिएक्शन का। भाई साहब आ गई गाड़ी, अंकल जी हो रहे, अंकल जी आगे बैठे हुए हैं भाई साहब। ओए, बिल्कुल भी नहीं पता ना अंकल जी को, कुछ भी नहीं पता ना अंकल जी, सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कैसा लगा अंकल जी सरप्राइज? पंकज गले लगा ले भाई, सबसे मुश्किल काम होता है। क्या किया पंकज ने? आप कुछ का आइडिया था आपको ये, मतलब कहाँ जा रहे हैं कैसे, कुछ कोई कुछ नहीं ना? कैसा लग रहा है अंकल जी? चलो ठीक है, चाबी की सरपनी करते हैं। बाकी अंकल जी ने गाड़ी देख ली है, फैक्ट्री ड्राइवर अंकल जी को गाड़ी पसंद आ गई भाई। और ये जो मोमेंट था ना भाई, कैसा भाई बड़ा
ओके थैंक यू भाई, यार ये सरप्राइज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भाई। एंड राधे राधे भाई सभी को।